आप मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा थीम वर्ल्ड से? आ रहा है सर। बहुत आ रहा है। क्रिकेट खेल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है। चलो तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ मौका, सवाल कोई क्वेश्चन करता है मुझसे पूछना, किसी ने किसी किस्म का कोई चीज। सर आप कितने साल से क्रिकेट कोचिंग कर रहे हैं? क्रिकेट कोचिंग बेटा जिस दिन से मैंने क्रिकेट छोड़ी है 2005 के बाद से अब मैं कोचिंग करता हूँ। विकेट कीपिंग भी नहीं, पाकिस्तान टीम को तो अभी तक नहीं की कोचिंग मैंने। क्या चाहिए तुम्हें, क्या पूछना है, क्या गलती करते हो बताओ मुझे, मैं तो देखेंगे। हाथ पे लगती है मगर पकड़ नहीं पाता। अच्छा तो इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलिंग की। बॉल को नहीं देखते, क्रिकेट की बेसिक है आई ऑन द बॉल, बैटिंग में, कीपिंग में, फील्डिंग में, ऑल द टाइम आई ऑन द बॉल। जब नजर हटती है तो बॉल छूटती है, जब नजर हटाओगे तो बॉल छूटेगी नहीं, मुश्किल होता है। तुम लोग खुद दिल से क्या करते हो ये तो बताओ, उसके अलावा ये कोच कराते हैं भाई, एक्स्ट्रा मेहनत ले क्या करते हो तुम लोग? जॉगिंग करते हो और रेगुलर करते हो या कभी करते हो कभी नहीं करते? बताओ भाई। वॉकिंग, वॉकिंग अच्छी चीज है, वॉकिंग किया करो रोज। सर इतना लंबा हम लोग 60 साल वाले वॉकिंग ही करते हैं। फिटनेस के हिसाब से आपको भाई, फिटनेस के हिसाब से टिप ये है कि जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलर बेस पे करो, रेगुलर। आप एक दिन करोगे, दो दिन नहीं करोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। सबसे पहले बैट में सबसे याद रखो, बैट का बैलेंस होता है, उससे इंसान को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इससे आज रन करूंगा। पहले तो आप अपना बैलेंस नोट करो कि मैं किस बैलेंस से खेलता हूं और किस बैलेंस से मेरे लिए सुटेबल है, फिर उसके बाद आपको ग्रेन्स वगैरह का पता चलेगा। पहले बैलेंस होना चाहिए, क्या हाल है? बिल्कुल सही बात है। जब तक आपका कंफर्ट नहीं होगा आपको उस बैट पे, आपको अच्छा नहीं होगा, फील अच्छा नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकते। Chicken.
कैसे हो? देखो ठीक हूँ। चले भाई रोडियो में लोग अब हमारी भाई है हाइट लीटर चलते हैं रोमा चले भाई और भाई यार तो भरम दे रहे गिर गए झटके में। अरे लेकिन मैं लगभग इधर अटका रहा वहाँ पर जब तक 13 सेकंड ने मैं छोड़ा नहीं और पत्तियाँ बच गई कैमरा कुछ पकड़े भाई तुम तो बैठे थे कितने नंबर आए 17 जो रेडियो बुल है पहले तो ड्रीम वर्ल्ड बहुत आला जगह है सही है ना इतनी वैरायटी है देखिए एक रेडियो बुल अंदर रेडियो नो कमेंट्स चलो भाई चलो Thank you.
वेलकम टू पोर्सलीन क्रिकेट ऑलराउंडर्स। हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बच्चे हाईटी के बाद अपनी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ मैचेस में, जहाँ तीन मैच होने वाले हैं। तीन टीमें जो है वो आज कम्पीट करेंगी। बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि रोज कोई ना कोई क्रिकेट स्टार उनसे आकर मिल रहा है। जैसे आज मोइन खान आए, उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी बच्चों को, बहुत सारी चीजें बताई क्रिकेट के बारे में, बहुत उनके फोकस के बारे में कि क्रिकेट में फोकस कितना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैच चल रहा है, हम देखेंगे कि इन सारी टिप्स का, इन क्रिकेट स्टार जो आके टिप्स दे रहे हैं, इनका क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों के गेम पर। तो अभी हम मिलेंगे उनके कोच से भी मिलेंगे, उससे भी बात करेंगे कि कैसा जा रहा है बच्चों की, क्या प्रोग्रेस है मैच के बारे में, क्योंकि द बिग मैच इज कमिंग। का वो ये कि इस खाने के पीछे इतने उम्दा खाने के पीछे कौन? माशाल्लाह से हमारा पूरा F&B डिपार्टमेंट है और इसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग वीकेंड पे अपने मेंबर्स के लिए बुफे रेज करते हैं
जिसमें माशाल्लाह 60 डिशेज होती हैं और हमारा तमाम एफएनबी का डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें सर्विस स्टाफ भी है। एफएनबी स्टैंड फॉर फूड एंड बेवरेजेस। इस खाने के पीछे सिर्फ माइकल साहब नहीं है, सजा अगर देनी पड़े तो सिर्फ माइकल साहब को नहीं, इस खाने के पीछे पूरा एफएनबी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पेरेंट्स से कि हम उनका उस तरह ख्याल रखेंगे जैसे वो घर पे ख्याल रखेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है हम उससे थोड़ा सा ज्यादा। जी हाँ नाजीम, अब हम आपको ले चलते हैं कबानस की तरफ, जहाँ पे हमारे साथ एक कबानस के अंदर 3 बच्चे सोएंगे। आइए जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कबानस के अंदर 1, 2, टोटल 3 बेड हैं, एक लाइट और एक पंखा। आई थिंक इट इज वेरी ग्रेट। और एक पेडेस्टल फैन भी है। और देखें एज अ समर कैंप ये हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं कि आप खुद देखें कि कितना माशाल्लाह बहुत अच्छा बेड भी रखा है यहाँ पे। चार पाइयां नहीं, ये फोल्डिंग बेड है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, क्योंकि कैंप के अंदर आपको ये बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हैं कि कभी आपको कोई जरूरत पड़ जाए, आप नॉर्दर्न एरिया में बाहर हैं कि आपको रूम में स्टे ना करना पड़े, तो आपका इतना कि आपका एक्सपीरियंस हो कि आपने कभी कैंप में स्टे किया है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। आइए बाहर। जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई एक ही कैंप नहीं है और ना हमें ढोसा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 तकरीबन हम में से कोई 47 बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को जरूर आना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो इस तरह की जगह पे रुके।